पावन सुंदर हमारे यूनियन बैंक के साथ संग्रह वाहिगुरु जी का कहानियां कहानियां पुत पुत करें ते पवित्र महावानुसार गुरु चरणों में बैठ के उन्होंने दसिया हुई बख्शा इन्होंने विचार गुरमुख कर रहे हैं भागा वाले दस तो पहले पंदे महान विद्वान भाई हरभजन सिंह जी बहुत वधिया विचार और बड़ी दूरता वाले जिन्होंने बड़ा तजर्बे हर गल को सामने रखा है मेरे ख्याल उस तो बाद कोई बहुता कहने की जरूरत नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दसन की बाणी सिख जगत वास्ते कई लोग इस विच नवीं नवीं गल् छेड़ते हैं सिख संगत के जल्दों में दुख पहुँचता है और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी जो मनुख की हर जगह से हर समय अगवाई करती है हर स्टेज से अगवाई करती है हर थान से अगवाई करती है और नाल दी नाल सतगुरु की बाणी दे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी संपूर्ण है कोई ऐसा पक्ष नहीं जिहड़ा ना आया हो और इस सतगुरु महाराज ने संसार का सारा ज्ञान मुढ़ में ही दे दिता है एक ओंकार शब्द में सतगुरु ने एका अक्षर जिहड़ा वो गलत का दूसरे अक्षर का अक्षर है गलत की विद्या अक्षर की विद्या उसे आधार ला के इशारे की विद्या तीन किस्म की विद्या तेने सतगुरु ने मुढ़ में रख दी है और दसन की बाणी गुरु साहब जी ने या कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई मनी सिंह जी ने बाबा दीप सिंह ने लिखी है जो किंतू कर रहे हैं और कोई कह रहे हैं उन्होंने बाणी गुरु साहबान ने अपनी बाणी प्रचारे दरअसल जब इस 300 साल पिछे चले जाते हैं असं देखते हैं कि इस गुरमुखी लिपि हो सू की मिलता गुरु ग्रंथ साहब जी तो अलावा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी तो अलावा होर साडे कोल गुरमुखी लिपि च है की ते गुरु ग्रंथ साहिब च राम कृष्ण दूसरे जो भी होए है उन्हां दा जिक्र कीता नहीं सी जा सकदा इस रूप विच देवी देवते जिन्हां दा भी जिक्र विच आया दसदी बाणी विच गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में इस रूप से जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि गुरुता कहते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पातशाह ने कही और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो अलावा गुरमुखी लिपि में साढ़े को चार सवेरे हनेरा है तो एक चीज चल रही है उनके बराबर चीज खड़ी करनी है तो दसना पेगा भी मैं क्यों खड़ी कर रहा क्योंकि उनके चीज की घाट है ते गुरमुखी लिपि साढ़े को कुछ भी नहीं सी संस्कृत को ताला वजाया बनारस में जिसे लिखिया से इन्होंने कहानियां 300 साल पहला सामने एड्डी वड्डी दात दी गई कि साडी बोली विच साडी लिपि विच दस्या गया कि यह कुछ आ आ करते रहे इस करके यह चीज की जरूरत है मैं खालसा पंथ जा रहा असं ये कहिए कि गुरु नानक साहब जी तो रामचंद्र जी एक ही सन कृष्ण जी के गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक ही सन फिर पहले ही है फिर नवे की जोड़ की पैगी और पहले जिन्ना चर उन्होंने सारी कहानी दसी ना जाए तो उन्होंने कांटा कि लाया जाता हजूर ने जिते राम हुए सदे हंस हुए जिते कृष्ण होया सदे हंस जय है राम कृष्ण से कई ईट पाए असी अज जी गल नहीं कह सकते सतगुरु जी ने उस समय 300 साल पहला साड़ी लिपि साड़ी बोली उन्होंने कांटा मार के रद्द करके कह के आप गुरु नानक साहब का सदान दिते करना क्योंकि उन्होंने जो कुछ है वो आप कुछ है
दस रहे हैं कि पांडव खेल रहे हैं युवा दिमागी का है, और दस रहे हैं कि यादव शराब पी के मर रहे हैं। ते जो यही ना दादे बना है शराब पी के यही ना करना ही वो बड़ा बड़ा पैगंबर सी जो उन्हें मनन वाले ने मोत पोतरे ब्रह्म ज्ञानी होने हैं मारे क्या नहीं वो शराब पी के मर गए। हजूर ने अपनी बोली जी सानू दस दिता कि उन्होंने नाल की कुछ वापर उन्होंने की कुछ किया। ते जे ये लिपि साड़ी जी ना होंगे तो ना कहना जी साढ़े को अंदर हीरे ज्वार चांदी संभाल संभाल के रखी हुई है तुम क्यों गल करते गुरु ग्रंथ साहिब साढ़े को बहुत कुछ पिया असं पढ़ नहीं सकना ही क्योंकि संस्कृत में रखा होया होर कि पढ़ ली मनाही की हुई कि कोई पढ़ नहीं सकता केवल ब्राह्मण पढ़ सकता बाकी सुन सकता जी ठीक है चला दें नहीं नाम से वो भी खतरी सुन सकता दूसरे दिन भी अधिकार नहीं। गुरु साहबान जी ने इस लिपि सानू का जो कुछ पिया हो सब कुछ सामने करके रखा कि सतगुरु ने रामचंद्र को रोंदा होया पकाया दसम की बाणी यही क्या ना मैं ये तो कृष्ण विष्णु प्रभु ने ध्यान महाराज कहते हैं राम कान सुने पहचान ना तेरे सो महाराज कहते मैं उन्हें पहचान सुन ली तैयार नहीं करना नहीं तो जे एडा वी लगीर ना मार दे खालसा किमें पाई सानू वखरा रूप किमें देंगे अभी वक्री कौम बनते कि हजूर पातशाह ने उन्हों का जो कुछ सी सामने लिया के रख के सानू दसिया कि यह चीज क्योंकि आप प्रजाति गुरमुखी साप्ति सधारण असं बंदे सद्यापन से साडे ते पाबंदी सी धर्म ग्रंथ अं सुन नहीं सकते सन शूद्र कहते सन वैद कहते सन सतगुरां ने तो किया परोपकार असि कहने ना 300 साल पहले सतगुरां ने परोपकार नहीं किया तो कोई गम कर गया सर एक वो लाभ करके दे गया सन वो विद्वान से वो गुरु की लिपि जो करके आया सतगुरु का चंद गुरु के चंद मन लाओ तो कह रहे बाबा दीप सिंह धनवाद करो भाई मनी जी ने ला रहे धनवाद करो असि धनवादी होने की बजाय सतगुरां से असं कह रहे जी उन्होंने किया उन्होंने किया होंगे ना ते उन्होंने बिल्कुल नहीं सी कहना कि रामचंद्र रोंदा रहा बिल्कुल नहीं सी कहना कि जादू शराब पीते रहे उन्हें बिल्कुल नहीं सी कहना कि कृष्ण ऐसा के माड़े नाल नचदा रहा गोपियां नाल उन्हें यह गल नहीं सी कही कि कृष्ण जिहड़ा सी ओह उसने किहड़े किहड़े शाह किहड़े किहड़े व्यक्ति नाल कीते आ कोई मैं आपके बाप की माड़ी गल दसा ना नहीं दसा ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਭ ਖੋਪਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੂਰਮਾ ਜੋੜੇ ਛਪਾਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰਮ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸਮ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਕਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਕਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਸੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ
सानू बहुत पहला मिली है असं उस चीज़ को पहला धक्का मारांगे फिर कहेंगे नहीं जी रतन सिंह नहीं आई जी ज्ञान सिंह नहीं वह भी नहीं आई कुछ ठीक है कि साढ़े इतिहास से कुछ मिलावट पाइया ने कुछ लोगों ने हो असं उस सारा पंथ कहता भी बिल्कुल सारा दे पूजे पूजे भी जिन्हें कोई संबंध नहीं इन्होंने गलों का और बसंती बाणी जी है सानू इसका सत्कार करना चाहिए इसकी माड़े शब्दों का प्रयोग करना बहुत माड़ा है जो कोई सज्जन करता है उस बड़े समय प्यार सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए इसी गल एक गल की दूजे की गांह की गांह सिखा का एक हिरदा है सिखा के हिरदे के उसका स्थान है सरकार है जथेबंदियां करी ने अज तक सारा पंथ उस पढ़ता आया विचारता आया है अभी भी जथेबंदियां करें उसके इन्ने भद्दे शब्द वरतने और ये बड़े दुखदाई और बड़ी माड़ी गल है तेरा मन नहीं मानना ना मन उस पूछा जाए तू दसू कि ना तू दस गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मानना कि नहीं याद है पांच वर्गिया याद ने नहीं तुझी पढ़ने आसाई बार पढ़ने बाणी का गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं पढ़ते तेन कहते क्या दस नहीं पढ़ना जी करता ना पढ़ पर हिंदू मन तू करना खा मुफा करना एक चीज जी सानू मिली हुई है जे सतगुरु महाराज ना दसते असं इन्होंने पांडवों ने जेड़िया कहानियां नहीं समझ सकनिया सानू नहीं सी पता लगना ये की कुछ करते रहे आ सुधार ज्यादा ना बदे भुला चुका ने नियमा भगवान बैठे आ मैं कोई इस विषय से तो बहुत अवधा है नाम मुझे शिशु का ही पता थी कि शिशु के समागम भाई जय सिंह करण ने दिया तो मेरा फोन खराब थी कि रामबा का फोन नहीं कर रहे तो रल नहीं रहा थी तो मेरे उन्होंने जो कि लाइव उन्होंने दसो जाके मैं भी हुक्म होया राजन जी सर का नाम लिया मैं हाजिर भरेंगे तो साहब पंडित जी सानू गुरु ग्रंथ साहब जी के सरदा साढ़े को जो होर दसा ने उन्होंने विश्वास उन्होंने संभव की लड़ उन्होंने हीरे मोती सानू चुगन की जरूरत है रसू की बाणी साढ़े को ना इस रूप से होए असं अपने विरोधी जोड़े सू खा रहे हैं कहते यार सत्ता वाला मुड़े ये सू खाते ही गए हैं असं इन्होंने मूँह से दसू की बाणी के चपेड़ कट के मार सकते हैं कि आप धारा धर्म है जो अभी नहीं मानते दसू की बाणी दसेगी ना सू क्योंकि कोई धर्म से है ही है जिस करके भगवान का जरा छल कर लिया राजे बल बल जो अभी नहीं मानते धारी गल कदम मन के हाँ मान के उन्होंने जा रहे गरीब तो कहते बता से धर दिता तो जे भगवान छल गया है तो अभी भी कहना धर ये इतनी वही गल न्यारापन सू दिता सू लखेड़िया इन्होंने नालों आओ अपना अपने खालस की वक्री रह वक्री मर्यादा वक्रा धर्म करम जोड़ा सतपुरा दिता समझिए गुरु महाराज की बाणी का जुड़िए भुला चुका निशमा प्रबंधक बहुत बहुत धनवादी दास की फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा।